हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टास्टिक विद ईशा। और आज न्यूमरोलॉजी में हम बात करने वाले हैं, जो हमारी बर्थ डेट की सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करने वाले हैं नंबर टू की। नंबर टू देखिए, जिन लोगों का बर्थडे किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को आता है ना, 2nd, 11th, 20th या 29th को आता है ना, वो सारे लोग रूल किए जाते हैं नंबर टू के द्वारा। नंबर टू का जो हमारा गॉड है, जो हमें रूल करता है, जो हमें ड्राइव करता है, वो कौन है? मून, यानी कि चंद्रमा। अब देखिए, मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो प्लेनेट हमें रूल कर रहा है, हमें वो अपनी क्वालिटीज़ देगा ही देगा, है ना। अब इनमें मून इनको रूल कर रहा है ना, तो इनमें मून जैसी, अब आप मून की क्वालिटीज़ देखिए, क्या मून कभी भी एक जैसा रहता है? नहीं, मून अपनी शेप्स चेंज करता रहता है, कभी फुल होता है, कभी बिल्कुल नहीं दिखता है, कभी हाफ होता है, कभी क्वार्टर होता है, है ना, वो अपनी शेप्स चेंज करता रहता है। इसी तरीके से ये लोग होते हैं। अब देखिए, मून का प्रभाव अर्थ पे भी देखिए कितना पड़ता है। मून का जो आपने समुद्र में देखे होंगे ना, हाई टाइड, लो टाइड, वो सब किसकी वजह से हैं? ग्रेविटेशन जो अर्थ मून का है, उसकी वजह से ही तो वो आते हैं, है ना। तो इनके मन पे भी ना, उसका जो हाई टाइड आपको, लो टाइड चंद्रमा का जो प्रभाव आपको पानी को में देखने को मिल रहा है ना, वो आपको इन लोगों के जीवन में भी देखने को मिलेगा। और आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई भी नंबर टू के लोग हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आप देखिएगा कि जैसे ही पूर्णमासी अमावस्या आती है, इनमें इमोशंस का लेवल एकदम से या तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा या बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इनमें चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि मून हमारा जो रिलेट करता है, वो करता है इमोशन से और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है। आप ऐसे मान लीजिए, जो हमारी न्यूमरोलॉजी है उसमें नंबर्स हैं 1 to 9। देखिए, उसमें 1 to 9 जो 1 नंबर है ना, वो हमारी लाइफ में ऐसे होता है एज ए फादर, है ना, स्ट्रिक्ट, जो आपको फिजिकली भी स्ट्रांग बनाता है। लेकिन नंबर जो 2 होता है ना, ये आप मान लीजिए एज ए मदर, है ना, जैसे एकदम काम, ये इस तरीके का नंबर है। इमोशंस का भंडार होता है ऐसे लोगों में, जो नंबर 2 वाले होते हैं, इनमें बहुत इमोशंस होते हैं, इमोशंस का भंडार है। ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, कई बार ऐसा भी होता है पर्सन टू पर्सन ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिहेव करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि ये किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, लेकिन मिलने पे उसको ये शो नहीं करेंगे कि ये उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। ये मिलेंगे उनसे जैसा इनका नेचर है, उसी तरीके से ये इनसे मिलेंगे। मतलब अगर इनको देख के कोई नहीं जान सकता कि हमारे लिए अंदर से बुराई मानते हैं। ये अगर इनसे कहा जाए ना, आप एज ए मीडिएटर काम करिए, अगर कहीं भी लड़ाई हो रही हो ना, नंबर 2 वाले को आप ले जाकर खड़ा कर दीजिए, ये एज ए मीडिएटर बहुत अच्छा काम करते हैं, एकदम लड़ाई यूं सुलझा देंगे आपकी फटाक से। इनको लड़ाई झगड़ा भी पसंद नहीं होता बहुत ज़्यादा, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता है, बेस्ट हीलर्स होते हैं, ठीक है। मैंने नंबर 7 के लिए भी ये क्वालिटी बताई थी, और नंबर 2 के लिए भी है, ये हीलर्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, आप इनसे जाकर बात कीजिए, ये आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। इनकी जो मेंटल एनर्जी है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इनकी जो कंपनी है ना, वो सबको बहुत पसंद आती है, और इनके दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पार्टी की आप इनको जान बोल सकते हैं, लोग अगर ये नहीं जाएंगे ना, तो लोग इनको फ़ोन कर करके बुलाते हैं कि आप आओ आओ, क्योंकि ये जहाँ भी जाएंगे ना, वहाँ का माहौल एकदम खुशनुमा कर देंगे, खुशी से भर देंगे, बहुत खुश रहने वाले लोग ये होते हैं, है ना। तो इसलिए लोग इनके दोस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, ये लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। कभी कभी नहीं, एक्चुअली ये क्वालिटी इनमें है। मैं आपको देखो एक चीज़ अभी भी बता के चल रही हूँ, नंबर 2 एंड नंबर 7, इनको ट्विंस कहा जाता है। इनमें आप नंबर 7 का मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, अगर आपकी पहचान में कोई नंबर 7 का हो या आपको देखना हो, तो आप नंबर 7 भी देख सकते हैं जाकर, प्लेलिस्ट में है। नंबर 2 में जैसे मैंने कहा ना, बिल्कुल सेम क्वालिटीज़ हैं, मोस्टली क्वालिटी इनकी सेम है। तो नंबर क्या कहते हैं, स्ट्रेस ये लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर इनको ज़रा सा भी स्ट्रेस आ जाता है ना नंबर 2 वालों को,
तो इनको ऐसा लगेगा, इनको अगर ज़रा सी भी टेंशन हो जाती है, ज़रा सा भी स्ट्रेस आ जाता है, तो इनको ऐसा लगेगा कि दुनिया भर की जो सबसे बड़ी टेंशन है ना, वो मेरे सर पे आ गई है। स्ट्रेस ये झेल नहीं पाते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता इनको अब हम करें क्या। नंबर 7 के बाद मैंने आपको बताया था इनको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। नंबर 7 वालों को ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि ये डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, इतना सोचते हैं, है ना। सेम अगर नंबर 7 के बाद अगर किसी को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो है हमारा नंबर 2, है ना। इनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि इमोशंस, है ना। वैसे तो ये प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, नंबर 2 वाले आपको ज़्यादातर लोग प्रैक्टिकल ही मिलेंगे, अपने दिमाग से काम लेते हैं, लेकिन जहाँ इन्होंने दिल से काम लिया तो ये डेफिनेट है ये डिप्रेशन का शिकार होंगे, ये एनजाइटी का शिकार होंगे। कॉन्फिडेंस इनमें लो होता है। कुछ नंबर 2 वाले लोग, मतलब ऐसा नहीं कह सकते सब ही बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, देखिए कुछ नंबर 2 वाले लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत खतरनाक होते हैं। थोड़ा सा ना एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है आप जो हो, है ना। अब जब आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, देखिए उसमें भी ये चीज़ सिखाई जाती है, बच्चा जो भी होता है वो उसकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मिक्स है, है ना, वो आज जो भी बना। तो सेम इनके साथ भी है, नंबर 2 वाले लोग आपको अच्छे अच्छे तो क्वालिटीज़ मैं आपको बता ही रही हूँ जो इनमें है, अच्छी बुरी जो भी है, लेकिन इनमें जो बुराई वाली, कुछ लोग आपको नंबर 2 के बहुत ख़तरनाक भी मिल जाएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लीजिए हिटलर का, है ना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, ठीक है। नंबर 6 सबसे ज़्यादा लविंग होता है, अगर नंबर 6 के बाद कोई लविंग आपको मिलेगा तो नंबर 2 मिलेगा बहुत। अगर ये मान लीजिए इनके लिए प्यार, ये एक्चुअली इनका नेचर ऐसा है, देखिए इनसे लोग बहुत जल्दी जुड़ते हैं, स्पेशली अगर आप लड़के हैं तो गर्ल्स आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, ये नंबर 2 वालों की खासियत है। आप देख लीजिएगा अगर कोई नंबर 2 का लड़का मेरा वीडियो देख रहा हो या फिर उनकी गर्लफ्रेंड देख रही हो तो वो इस बात को जानती ही होगी, या उनकी वाइफ देख रही हो तो वो इस बात को डेफिनेटली जानती होंगी कि फीमेल्स उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, देखिए, है ना, तो वो उनसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती ही होती हैं। और ये इनकी लाइफ का देखिए एक ड्रॉबैक भी बनता है, इनके इनका नेचर लविंग है, इनका स्वभाव चंचल है, है ना, मून की क्वालिटीज़ हैं इनमें, इमोशंस का लेवल हाई है। तो कभी कभी क्या होता है कि इनके एक से ज़्यादा अफेयर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब देखिए होता ये है कि इनके अफेयर्स तो हो जाते हैं क्योंकि इनका नेचर ऐसा है ना, लविंग नेचर है इनका, तो इनके अफेयर्स हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम इनको ये चीज़ समझ में भी आती है कि नहीं, मेरी कंपैटिबिलिटी इसके साथ सही नहीं बैठ रही है, या मैं इस तरीके का नहीं हूँ, या मैं गलत जा रहा हूँ, गलत ट्रैक पे, इनको ये खुद से ही समझ में आ जाता है आफ्टर सम टाइम। और ये वापस ट्रैक पे भी आते हैं या फिर मतलब वो चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी वजह से ना इनकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। इनको नेचर बहुत पसंद होता है, मतलब अगर ये घूमेंगे भी ना, इनको घूमने का तो देखिए शौक है, लेकिन अगर ये घूमेंगे भी ना तो भी ये उस जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ नेचर ज़्यादा है। नेगेटिव थिंकिंग इनके साथ भी है, मैंने कहा ना नंबर 7 से इनकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, सोचना, ठीक है, लेजीनेस भी आती है इनमें, सोचते हैं, सोच इनमें लेजीनेस आती है डिले की वजह से, ये आज के काम को ना कल पे टालते हैं, हो जाएगा, इनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है इसलिए इनमें लेजीनेस आती है। ये बिज़नेस बिज़नेस इनके लिए अच्छा नहीं है, ये बिज़नेस में अच्छा नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर आप बिज़नेस में ऑलरेडी हैं तो एक्सेप्शन्स हर जगह हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस नहीं करते हैं और आप सोच रहे हैं तो प्लीज़ बिज़नेस का आप स्किप कर दीजिए, कुछ और कर लीजिए उसकी जगह, तो आपके लिए बेटर रहेगा। डीमोटिवेट ये इनको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि आप को इनको डीमोटिवेट करना पड़ेगा, ये खुद से ही हो जाएंगे डीमोटिवेट। इनका कंसंट्रेशन है ना वो इजीली लॉस्ट हो जाता है, मतलब एक चीज़ पे ये बहुत ज़्यादा टाइम तक कंसंट्रेट करके नहीं रह सकते, इजीली अपना लॉस्ट कर देते हैं कंसंट्रेशन। मूड स्विंग्स होते हैं इनको, आफ्टर नंबर 7 मूड स्विंग्स किसी को सबसे ज़्यादा होते हैं, नंबर 2 को होते हैं। इंट्यूशन पावर इनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट नंबर 2 को इंट्यूटिव नंबर भी बोलते हैं हम, नंबर 2 को
देखिए होता यह है कि देखिए नंबर सेवन के पास गॉड गिफ्ट है, उनके पास तो ऐसा अगर कोई उनको हादसा होने वाला है ना, तो कहिए आप कुछ देर पहले या कुछ टाइम पहले उनके पूरी दिमाग में एक फिल्म सी ही निकल जाए एक सेकंड में, बिल्कुल सेम सिचुएशन में उनके साथ तो ये है, या फिर जहाँ जिस जगह उन्होंने कदम रखा हो उनको वो चीज़ कभी सपने में आई हो, उनको सब चीज़ें हो जाए कह रहे इसके बाद ये था इसके बाद ये था। मैंने बताया था नंबर सेवन में कि उनके साथ किस तरीके से उनको पहले से, तो उनको तो वो गॉड गिफ्ट है, लेकिन इंट्यूशन पावर इनकी भी बहुत अच्छी होती है आफ्टर नंबर सेवन, इनको भी काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता लग जाती हैं। इनमें एक सबसे बड़ी कमी होती है, कंटिन्यूटी नहीं होती है। तो ये किसी भी काम को ना ये करेंगे तो बहुत जोश में है ना, इनको कोई भी काम है अगर इनका अगर इनको समझ में आ जाता है तो ये इसको बहुत जोश में करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर करेंगे, लेकिन वो ये कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं बहुत। तो ये इनकी एक कमी है जिसकी वजह से काफ़ी इनको स्ट्रगल भी करना पड़ता है कई बार। इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, चंचल स्वभाव होता है, गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं। अगर आपको गाइडेंस लेनी है ना तो आप नंबर टू से लीजिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नंबर टू से लीजिए। बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छे होते हैं ये, जेंटल होते हैं, काइंड होते हैं, भावुक होते हैं, है ना, हंसमुख इनका स्वभाव होता है, स्माइलिंग आपको इनके चेहरे पे मतलब हमेशा हंसी खुशी ही मिलेगी। अगर ये अंदर से दुखी हैं तो भी आपको नहीं पता लगेगा कि ये अंदर से कितना दुखी हैं, हमेशा ये आपको स्माइल करते हुए मिलेंगे। एक्साइटमेंट इनमें बहुत रहता है, आप इनसे कोई भी काम कहिए, यहाँ घूमने चलना है, पार्टी में चलना है, ये कर शॉपिंग चलना है, तो ये बहुत मूवी चलना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ये नंबर सेवन में भी मैंने आपको बताया था। प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी होगी, अगर ये प्लानिंग के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन भी कर लेना तो इतना बेहतर कर सकते हैं ये, लेकिन नहीं, इनकी प्लानिंग ही अच्छी होती है, इम्प्लीमेंट ये उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं या करते ही नहीं हैं। एनिमल लविंग होते हैं, मूड स्विंग्स भी इनको बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कई बार नंबर टू में ऐसा देखा जाता है कि जैसे इनको कोई चीज़ नहीं मिली जो इनको चाहिए थी, इनको नहीं मिलती है ना, तो ये एकदम बच्चे की तरह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इनको फिर संभालना पड़ता है, एकदम बच्चे की तरीके से इनको समझाना पड़ता है। इनमें एक सबसे बड़ा जो कमी है वो ये है कि ये सजेशंस बहुत ज़्यादा लेते हैं लोगों से, कई बार ये कुछ करेंगे तो सजेशंस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उस सजेशन लेने लेने में देखिए इनके साथ मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम वैसे ही है ना। तो होता ये है कि इनका अब मन कई बार अपने आप से ही उखड़ जाता है उस काम को लेकर, है ना, तब तक वो काम को या दूसरा कर लेता है, तो इस सजेशंस में भी कई बार लेने के चक्कर में ये काफ़ी पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो क्वालिटी, इन्हें बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर ये जुड़ेंगे किसी से तो इनको लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्यार के मामले में ये प्यार देते हैं, और आप यकीन मानिए कि अगर नंबर टू वाला अगर आपसे व्यक्ति कोई प्यार करता है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत व्यक्ति हैं अगर आपसे नंबर टू का व्यक्ति कोई प्यार कर रहा है तो, क्योंकि इनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं प्यार के अलावा, है ना, और ये आपसे भी उतनी ही उम्मीद करते हैं। और होता क्या है कई बार कि जैसे जिस वे में ये प्यार चाहते हैं ना उस तरीके से कई बार इनको नहीं मिल पाता, या इनका पार्टनर इनको नहीं समझा पाता कोई चीज़ें, तो ये बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी सोच में पड़ जाते हैं। मैंने आपको बताया ही सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, है ना, डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, मूड स्विंग्स हैं ही इनके साथ, सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो क्वालिटीज़ नंबर सेवन में हैं वो इनमें हैं, तो लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई नंबर टू का है तो सीरियसली आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, और आप यकीन मानिए अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और दूसरा इनमें ये है कि मतलब सारी चीज़ें ना उस प्यार के आगे इनके लिए सेकेंडरी हैं, चाहे वो इनका करियर हो, इनके लिए गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, प्यार के आगे इनके लिए सब सेकेंडरी है। प्यार को ये, अपने प्यार को ये सबसे ऊपर रखते हैं, ये इनकी सबसे खास बात है। इनका करियर देखिए ऑकल्ट साइंसेस में भी बहुत अच्छा जाता है, ठीक है। आर्टिस्ट ये बहुत अच्छे, देखिए इनमें टैलेंट्स इतने सारे हैं ना नंबर टू में, इनको खुद नहीं पता होगा इनमें कितने सारे टैलेंट्स हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि
अगर किसी के पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, उनके बच्चे हो नंबर टू के, देखिए आपके बच्चे के अंदर ना जो भी टैलेंट्स हो, सिंगिंग का, डांसिंग का, म्यूजिक का, जो भी हो, है ना, आप उसको बाहर निकालिए। आप जितना निकलवा सकते हैं ना उसके टैलेंट को बाहर निकालिए, स्पोर्ट्स में, जिसमें भी उसकी रुचि हो, पेंटिंग में, कुकिंग में, जिसमें भी, क्योंकि इनके अंदर ना इतने सारे टैलेंट्स होते हैं कि वो निकल ही नहीं पाते। इवन इनको भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर इतने सारे टैलेंट्स हैं। तो ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना। आर्टिस्ट तो देखिए किसी भी फील्ड में चला जाए बहुत अच्छा करेगा। आपके जो नंबर टू के मैं कुछ लोग बता देती हूँ, जैसे आपके शाहरुख खान हुए, अमिताभ बच्चन जी हुए, महात्मा गांधी हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, माइकल जैक्सन हुए, ये सारे नंबर टू से बिलोंग करते हैं। तो करियर इनका किसी भी फील्ड में जा सकता है, बहुत अच्छा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। इनके लिए देखिए बेस्ट नंबर, लकी नंबर, लकी नंबर इनके लिए 1 है 7 है और 6 है। इनका जो खुद का नंबर है ना, वो कई बार तो इनके लिए बहुत अच्छा प्रूफ हो जाता है नंबर टू, और कई बार नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर टू से आप रिस्क क्यों लेना, नंबर टू से आप बच के ही रहिए, है ना। नंबर 1, 6 and 7 ये आपके लिए बहुत लकी नंबर्स हैं। अनलकी नंबर्स हैं आपके लिए 4 and 8, और हो सके तो आप 9 भी अवॉइड कीजिए। 4 and 8 से तो आपको, 4 and 8 तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। कलर आप कोई भी लाइट शेड पहनिए, सब आपके लिए अच्छे हैं, कोई भी आप लाइट शेड पहनिए, बस आप अवॉइड कीजिए रेड एंड ब्लैक को आप अवॉइड कीजिए। लकी डायरेक्शन है आपके लिए नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए काफ़ी लकी है। अब देखिए यहाँ पे देखिए लकी नंबर्स है ना, देखिए अगर आप शादी करना चाहें, या तो होता क्या है नंबर टू वालों के साथ, इनकी इनमें जो क्वालिटीज़ है ना वो नंबर 7 में है, है ना। सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर अगर नंबर टू के लिए कोई है तो नंबर 7 है, नंबर 7 है। ओह, इनके अफेयर्स में देखिए होता क्या है, अफेयर्स ये कर तो लेते हैं, है ना, क्योंकि चंचलता है इनमें, है ना। इनको चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, मूड स्विंग्स हैं ही, है ना, इमोशनली कंट्रोल नहीं है इन पे, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये कर तो लेते हैं, लेकिन होता क्या है, इनको आफ्टर सम टाइम इनको खुद से ही ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि नहीं, यहाँ मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, है ना, नो मैं गलत हूँ, या मेरी कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वो आपकी अदर नंबर के साथ जाएगी ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं जाएगी। जो आपकी कंपैटिबिलिटी आपकी नंबर 7 के साथ बैठेगी, या फिर उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो आपकी नंबर 1 के साथ बैठेगी। तो आप अपनी लाइफ में ना इन लोगों के साथ रहिए, और ये आप थोड़ा सा आपकी लाइफ में देखिए, पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है, तो आपको एडवाइस भी यही है मेरी साइड से कि मतलब एक तो आपको जो वर्क करना है वो आपको मेडिटेशन करिए, सबसे अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आप जो चीज़ें कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं आप उस पर वर्क कीजिए, उसको कंटिन्यू कीजिए, आप देखिए बहुत आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे। बाकी आप में सारे पॉइंट्स अच्छे ही अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है। और देखिए अट्रैक्शन होना, या फिर जो आपके चंचल स्वभाव की वजह से आप दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम में आ रही है ना, और आपको खुद भी पता है कि वो आपके कंपैटिबल नहीं बैठेगा, तो उस चीज़ से ना आप थोड़ा सा अब बचिए। अगर आप मैच्योर हो चुके हैं तो आप उस उन चीज़ों से आप बच सकते हैं जिससे आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। देखिए होता क्या है, आपको लाइफ के लिए ना आपकी पर्सनल लाइफ भी सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मेंटल इमोशनल पीस ना वहीं से आएगा। आप लाइफ में अच्छा कब कर पाएंगे, जब आपका मन शांत है, आप अपने घर वालों से शांति में हैं। आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, जहाँ आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, वही तो है ना आपकी पर्सनल लाइफ। तो जब वो लोग शांत रहेंगे ना, वो आपसे खुश रहेंगे हर तरीके से, तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने करियर में और अच्छा कर पाएंगे, वो आपको मोटिवेट और करेंगे। और हाँ, नंबर टू वालों को मोटिवेशन देने की ज़रूरत पड़ती है थोड़े थोड़े टाइम पर, ये क्योंकि मैंने कहा ना, इनको डिमोटिवेट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ये खुद से ही डिमोटिवेट होते हैं। इसलिए इनके पास एक ऐसा पार्टनर या दोस्त इनके पास होना चाहिए जो इनको टाइम टाइम पर मोटिवेट करता रहे, और ये बहुत आगे जाते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन बस इनके साथ एक दो जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये उन पर वर्क कर लेते हैं
तो ये एकदम कंप्लीट पैकेज है, आप ऐसा मान लीजिए। और ये जिसकी भी लाइफ में है, मतलब उसकी लाइफ तो मैं तो उनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। और एक नंबर सेवन के साथ वो, हाँ मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मैंने नंबर सेवन वाला वहाँ बता ही दिया था नंबर सेवन वाले लेक्चर्स में। तो आई होप आपको नंबर टू का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। नंबर टू वाले मुझसे एग्री तो करेंगे ही, और अगर आपके कोई दोस्त में हो, जान पहचान में हो, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।